हज़रत, मशहूर हदीस मुबारका है कि जिसका मफहूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे इंसान हलाकत में हैं सिवाय आलिमों के, और सारे आलिम भी हलाकत में हैं सिवाय अमल करने वालों के, और सारे अमल करने वाले भी हलाकत में हैं सिवाय मुखलिसीन के, और मुखलिसीन खातरे अजीम में हैं। तो हज़रत, सवाल ये पैदा होता है कि जब मुखलिस इंसान अल्लाह के लिए सब कुछ काम कर रहा है, वो अल्लाह से ख़ास ताल्लुक़ उसका जुड़ चुका है, तो अब वो कैसे ख़तरे में है? अब तो वो अल्लाह की हिफाजत में होना चाहिए, तो इसकी हज़रत वज़ाहत बहुत फरमाएँ। अच्छा सवाल किया। बिल्कुल, असल में बात हुई है कि एक सेहतमंद आदमी जो है जी वो मरने से पहले पहले तक तो खतरे में है कि बीमार हो जाए, ठीक है भले कितना बड़ा पहलवान हो, जी लिहाजा उसको अपनी इस सेहत को कायम रखने के लिए सारी मेहनत करनी पड़ती है। जी बिल्कुल पहलवान है, सुबह शाम जो है खाड़े के अंदर डंड बैठ के निकालेगा, जी है सुबह शाम जो है अपनी खुराकें मुतय्यन करेगा, है जी इसी आज के दौर में जैसे आज के जॉगिंग करेगा, स्विमिंग, अपनी सेहत जो अल्लाह ने दी उसको कायम रखने के लिए जी मेहनत की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक अब है क्योंकि किसी वक्त भी वो बीमारी में बदल सकती है, लिहाजा उसको इससे सेफ रखने की मेहनत करनी है। बिल्कुल इसी तरीके से जो मुखलिसीन इखलास से अमल कर चुके हैं, अब उस इखलास पर मरते दम तक कायम रहे वो अमल, उसमें अब कोई फतूर नीयत ना आए और रिया उसके अंदर शोआ ना हो, तो उसको अपनी रूहानी उसके ऊपर मेहनत करनी है, अच्छा ताकि अपनी रूह पर मेहनत करते रहे, ताकि रूह किसी वजह रिया के अंदर ना बदल दे इस रजा को। ठीक है तो लिहाज इसलिए कहा ये खतरे में है, जैसे एक सेहतमंद खतरे में कि किसी वक्त भी बीमार हो सकता है, ऐसे एक जो है रूहानी अमल करने वाला मोमिन वो भी खतरे में मरते दम तक कि किसी वक्त भी ये रजा से हटकर रिया में मुबतला हो गया तो ये सारा का सारा गारत हो जाएगा। इसलिए कहा वल मुखरा खतरे नजीम, ये खतरे में। और तभी नबी से भी कुरान करीम में फरमाया फाबुद रब का हत्ता यातिया कल यकीन, ए मोहम्मद तो अपने रब की इबादत करता रहे, इबादत करता रहे यहाँ तक कि तुझे यकीन आ जाए। क्या जी यकीन से मुराद मौत है, यहाँ तक कि मौत आ जाए। तो गोया कि इखलास के साथ वहाँ मंजिल तक पहुँचाना अमल को ये ज़रूरी है, और मंजिल वो मौत है, तो मौत के पहले तक इंसान मुखलिस रहे, उसके बाद अब इंसान की वो किसी किस्म के कोई खतरात नहीं है अल्लाह के यहाँ, वो शर्फ कबूल। तो अच्छा इसलिए दुनिया जो है वो मौत तक की मंजिल में जी वो खतरे में है, लिहाजा इसलिए उसको फरमाया कि वो मोहतात रहे, फिक्र आखिर उस पर सवार रहना चाहिए। जी